अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद सईद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर है। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम दो फैक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करेंगे कि स्टूडेंट दो फैक्टर्स के दरमियान आपस में जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। दो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं, ठीक है। दो मुख्तलिफ फैक्टर्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है या नहीं, दो मुख्तलिफ फैक्टर्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, दो फैक्टर्स के दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन है या नहीं, दो मुख्तलिफ फैक्टर्स के दरमियान आपस में कोई ना कोई होमोजेनिटी है या नहीं। यानी कि कहने का मकसद ये हुआ कि हमारे पास दो अलग अलग मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं और हमें इन दो फैक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप को टेस्ट करना है कि दो मुख्तलिफ फैक्टर्स के दरमियान आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है या नहीं, आपस में दो मुख्तलिफ फैक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, दो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, दो मुख्तलिफ फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट के अंदर हमें दो फैक्टर्स दिए जाएंगे, दो फैक्टर्स के मुख्तलिफ अपने अपने करेक्टर्स होंगे। इस टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें दो मुख्तलिफ फैक्टर्स दिए जाएंगे और दो मुख्तलिफ फैक्टर्स के अपने अपने करेक्टर्स होंगे। हमें ये टेस्ट करना होगा जो ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं इनके करेक्टर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते ही नहीं करते। क्या बात कही स्टूडेंट्स मैंने कि स्टूडेंट्स इस टेस्ट के अंदर हमें दो मुख्तलिफ अलग अलग फैक्टर्स दिए जाएंगे और हर फैक्टर्स के अपने अपने करेक्टर्स होंगे। हमें टेस्ट करना होगा ये जो दो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इनके करेक्टर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते ही नहीं करते। दो मुख्तलिफ फैक्टर्स के जो करेक्टर्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, इनके दरमियान दो मुख्तलिफ फैक्टर्स के जो करेक्टर्स हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, दो मुख्तलिफ अलग फैक्टर्स के दरमियान दो अलग जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इनके जो दो अलग अलग दो मुख्तलिफ अलग फैक्टर्स हैं और उनके जो करेक्टर्स हैं इनके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स आज हमें टेस्ट करना है। स्टूडेंट्स, इसमें एच ओ और एच ए बाई डिफ़ॉल्ट फिक्स होते हैं। एच ओ और एच ए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें बाई डिफ़ॉल्ट फिक्स होते हैं, ये अपनी जगह पे ऐसे ही लिखते हैं, कुछ भी हो जाए स्टूडेंट्स। एच ओ में हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स आर, हमेशा एच ओ में क्या लिखेंगे, फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। एच ओ में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। कुछ भी हो जाए, अगर फैक्टर्स हमें डिपेंडेंट भी नज़र आ रहे होंगे मगर हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखेंगे, एच ओ में फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट और नो एसोसिएशन बिटवीन फैक्टर्स और नो रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अमंग द फैक्टर्स आर इक्वल, P1 = P2 = P3 = so on। P1, P2, P3 स्टूडेंट्स क्या हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशन की प्रोपोर्शंस हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशन की क्या हैं स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी हैं। जबकि एच ए में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एच ए इसका अपोजिट होगा। एच ए स्टूडेंट क्या होगा, एच ओ एच ए का अपोजिट होगा। एच ए में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फैक्टर्स आर डिपेंडेंट और देयर इज रिलेशनशिप between factors.